चुनाव चिन्ह मिलते ही सभापति प्रत्याशी रत्नेश सर्राफ उर्फ बबलू सर्राफ ने लिया बजरंगबली का आशीर्वाद, पूजा पश्चात किया जनसंपर्क। न्यूज 9 टाइम्स नरकटियागंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। नरकटियागंज नगर परिषद चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रत्याशी क्षेत्र भ्रमण में लगे हैं। इसी बीच सभापति प्रत्याशी रत्नेश सर्राफ उर्फ बबलू सर्राफ सैंबल मिलते ही नरकटियागंज रेलवे कॉलोनी वार्ड संख्या 17 स्थित बजरंगबली का आशीर्वाद लिए और लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क तेज किया। उन्होंने बताया कि मैं पूर्व में कई वर्षों से समाज की सेवा करते आ रहा हूं। इस सेवा का फल जनता जरूर देगी। उन्होंने बताया कि यदि मैं जीतकर सभापति बनता हूं तो मेरी पहली प्राथमिकता भ्रष्टाचार मुक्त शहर बनाना, शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाना एवं विकास की रफ्तार को तेज करना, यही मेरी प्राथमिकता है और मैं इसी संकल्प के साथ चुनावी मैदान में आया हूं। मैं जनता को निराश नहीं होने दूंगा, उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। न्यूज 9 टाइम्स। कटियागंज नगर परिषद क्षेत्र में आप सभापति प्रत्याशी हैं, काफ़ी जनता का सपोर्ट आपको मिल रहा है, यदि 5 साल के लिए चुनाव जीत कर आ पा रहे हैं, क्या आपका विकासी मुद्दा क्या होगा, क्या आप विकास का काम करेंगे थोड़ा जनता को? सबसे पहले तो मैं नरकटियागंज के समस्त जनता को प्रणाम करता हूं और सबसे ये निवेदन करता हूं कि मुझे कबूतर छाप प्रदान हुआ है, रत्नेश कुमार सर्राफ का को कबूतर छाप मिला है और इस कबूतर छाप पर बटन दबाकर आप सभी से मेरी अपील है कि मुझे विजयी बनाएं। आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहा और अगर मैं नगर परिषद का सभापति पद पर आऊँगा तो सबसे पहले नगर परिषद में जो भी काम अधूरा बचा हुआ है, जिसका विकास नहीं हुआ है, जितने भी गली हैं, सड़कें हैं, उनका निर्माण कराया जाएगा और तहबजारी का निर्माण कराया जाएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि महिलाएं अगर मार्केट में आ रही हैं तो उनको शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उस तहबजारी के अंतर्गत एक डिलक्स शौचालय का निर्माण कराया जाएगा ताकि महिला लोगों को शौचालय जाने में कोई कठिनाई नहीं हो। इसके साथ साथ जो भी शहीद वैद्यनाथ धर्मशाला है उस धर्मशाला के निर्माण कराने का प्रयास किया जाएगा। नगर परिषद क्षेत्र में सभापति का चुनाव चल रहा है, काफ़ी प्रत्याशी फील्ड में उतरे हुए हैं, क्या लग रहा है अब की बार बदलाव होगा या नहीं होगा? उप चेयरमैन उप सभापति बनकर 2500 वार्ड में सेवा किए हैं, इस बार वह सभापति का चुनाव लड़ रहे हैं, कबूतर छाप निशान मिला है, शांति का प्रतीक लेकर आए हैं, कबूतर छाप जीतेगा और शहर में विकास होगा, जो देखने वाले देखते रह जाएंगे, विरोधी चीत हो जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? अजीत सर्राफ। धन्यवाद।